अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बहुत नींद में हूँ क्योंकि मैं सो चुकी थी, बट फैमिली ने बोला कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं और न्यू व्लॉग बनाने के मुझे आइडिया आ गया, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, तो गाइस कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्टिव एंड ऑल आई वॉन्ट इज़ के कहीं करीब की जगह जाएँ, बट ये लोग जा रहे हैं, आई थिंक हम गुलशन जा रहे हैं आज। और इस व्लॉग का मैं बताती हूँ, जल्दी जल्दी से जाग सकूं क्योंकि व्लॉगिंग तो करनी है और आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो एकदम टुनू के तो जाने से रहे। सो गाइस, इस व्लॉग में कुछ न्यू भी है और इस व्लॉग में न्यू इज़ कि आप ही ने मुझे चैलेंज कर दिया है कि मैं खुद से डरती हूँ, तो उनको लग रहा है, आई डोंट नो ये सच है या झूठ है। खैर, उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे घोर से डराएंगी और वो भी 5 टाइम। तो मैंने कहा यार ठीक है, अगर आप मुझे 5 टाइम घोर से डराएंगी ना, तो मैं भी आपको 5 टाइम डराऊंगी इंसानों से, कॉज आई एम खूब श्योर के यार वो इंसानों से डरती हैं। वाओ गाइस, कितनी लाइटिंग शाइटिंग हो रही है, लोग जाग रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा जागने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे भी ज़रा प्लानिंग करनी है। अगर आपको कोई आइडिया हो कि यार कैसे डराऊं मैं आप ही को इंसानों से, वैसे मेरे माइंड में एक आइडिया आ चुका है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, रास्ते में ही कर देती हूँ। चलो गाइस, मैं बताती हूँ, मेरे माइंड में आइडिया ये आया है कि वो सो क्यूट सी मॉस्क है यार, मेरे माइंड में आइडिया आया है कि मैं उनको डराऊंगी इस तरह से कि मैं फायरिंग से आप ही बहुत डरती हैं और मैं उनको डराने वाली हूँ, फायरिंग का अलार्म लगाकर विंडो पे रख दूँगी, वो भी फजर के टाइम उठ के। यस गाइस, और बिल्कुल फजर पढ़ती रहूँगी अपना, बस आप ही ऐसे ही डर जाएंगी जब फायरिंग का अलार्म बजेगा और वो देखेंगे कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई फायरिंग रियल में हो रही है बाहर की तरफ। एनी हाउ गाइस, हम पहुँच गए हैं एक ज़बरदस्त सी फूड स्ट्रीट की तरफ, तो आप मुझे बताना कैसा लगा ये आइडिया, और इसके अलावा कोई और आइडिया है आप ही को डराने के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। रेड एप्पल आ गया और इसके साथ साथ ये बड़ी ज़बरदस्त सी जिंगर यहाँ का बड़ा अच्छा होता है रेड एप्पल का। इसके अलावा आई एम ट्राइंग कि हर मेरी नींद उड़ जाए। चलो गाइस, सॉरी गाइस, मैं नींद में इस तरह बोल रही हूँ, पता नहीं क्या, सभी भी अच्छा है, सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरी नींद ज़्यादा अच्छी है, मुझे रास्ते में सो जाना चाहिए था पर मैंने कोशिश की कि मैं बोलती रहूँ ताकि मैं बिल्कुल सो गई, तो फिर मुझे कोई कार्ड से उतार नहीं सकता था क्योंकि मेरी नींद इतनी डैश है ना, मैं क्या बोलूँ। एनीवेज गाइस, ये देखो गाइस, ये कौन है, वो बहुत 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 सारे क्रिमेल हुए, इतने सारे आ रहे हैं यहाँ पे, सिजलर्स कभी ट्राई नहीं किया, क्लक्स किलकी सो, इतना गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई गाइस, या मुझे आजकल गोल्डन कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है गोल्डन कलर, पाइनएप्पल भी अच्छा लग रहा है, वो पापा भी है कुछ, और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, और कौन कौन है भाई, डेलिजिया, ओ माई ग्रिल में आई थिंक हमें पार्किंग मिल जाएगी तो आसानी होगी इधर। यस गाइस, मिल गई है पार्किंग, चलो गाइस पार्क करते हैं। और हम पहुँच गए हैं आइसक्रीम पार्लर और यहाँ पे है ओ माई ग्रिल के साथ नीचे ही सॉफ्ट वर्ल्ड, आई डोंट नो गाइस दोनों एक साथ कैसे हैं। खैर, इस वक्त मैं कैसे सर्च करूँ यार, चलो गाइस मेन्यू आ गया था तो मैंने ऑर्डर कर ली है आइसक्रीम, और ये एक तूफ़ानी आइसक्रीम लग रही है और इसका नाम है वनीला फ्लेक्स, बट ये ऑर्डर की है आप ही ने, तो उन्होंने कहा है कि मिला के खाएँगे हम दोनों, क्योंकि आई थिंक उनको ये पसंद नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें होता है वनीला आइसक्रीम होती है जो बिल्कुल, आई एम सो सॉरी टू से गाइस डैट वनीला के अंदर ना क्या होता है कि वनीला जो है ना बिल्कुल बोरिंग सी आइसक्रीम लगती है यार, वनीला लवर्स आई एम सो सॉरी टू से, बट मुझे बोरिंग लगती है, नींद आ जाती खाती है, और ये मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैंने नटी चोकोस मंगवाई है अपने लिए, तो आप ही इसको ट्राई कर रही हैं, और एक और बार आप ही ने ले लिया, और वो कह रही है कि मेरा भी खाओ, तो मैंने सोचा यार चलो उनका भी टेस्ट कर लेती हूँ, दिल रख लेती हूँ। इसके अलावा हमने मज़ीद कुछ ऑर्डर कर लिया है, फ्रूटी संडेज हैं इनके पास और ट्विस्टर्स भी हैं, यार ये वाला मेन्यू पहले क्यों नहीं लाए, ये इसमें से कुछ ऑर्डर कर लेती यार,
संडे ना मजे का होता है। एनी हाउ गाइस, हमने ये ऑर्डर किया है, इसका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ, मैं फिर से नींद आने लग गई, खा के बताऊँगी आप लोग को। खैर गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। दो ऑर्डर की थी हमने आइसक्रीम, तो उसके अलावा दो और खा ली, और ये हमने फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं हाउस ऑफ बर्गर्स के। चलो गाइस, यहाँ का फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रही हूँ, और ये ओ इतनी डीप में जाके एक छोटा सा बॉक्स मिला है मुझे, इसमें होंगे नगेट्स एंड फ्राइज, तो डील थी यार, मैंने ले ली। यानी और बॉक्स अच्छा है। चलो गाइस, इसकी ज़रा ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। एंड ओ देयर इज़ नो नगेट्स, नगेट्स कहाँ है भाई, अंदर घुसा हुआ है क्या, ओनली फ्राइज हैं भाई, ये तो हमें बेवकूफ़ बना दिया। और केचप वैचप भी खुद डालो, कोई लोडेड सॉस भी नहीं है यार, इतने एक्सपेंसिव, और मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी गाइस। आप लोग एच ओ बी यानी हाउस ऑफ बर्गर्स का कुछ भी ट्राई करो, बहुत ही हॉरिबल सा इसका फ्लेवर था। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, एवरीथिंग, आप लोग जो जो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये रही मेरी यूनिवर्सिटी, जो आपका अंधेरे में नज़र नहीं आ रही, यहाँ सुबह दोबारा टपकना है मुझे एच ओ बी के, उनका टार्टरी होती है, आई डोंट नो व्हाट क्या होता है। खैर, इसके अलावा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो दिल में आए चर कर दो यार, मतलब अनसब ना कर देना। सॉरी फिर होगा, इस घर आ चुके हैं और मैं घर जाके बात करती हूँ। ये आपी की हरकत थी कि उन्होंने मेरे पर्स के ऊपर छुपकली छुपा दी, लेकिन ये चीटिंग है और इसका फैसला भी होगा। मम्मा एक बात बताएं, इसने क्या कहा था कि मैं घोस्ट से डराऊँ, कुत्तों से डराऊंगी, है ना? बात ये हुई थी कि आप पाँच बार डराएंगी अंकल, मैं इसने कहा था भूतों से डराऊंगी, लो भूत से डराऊं, किसी से भी डराऊंगा जी नहीं, ये तो चीटिंग है भाई, मैं तो नहीं मान रही। हंसी आ रही सोच करके, छुपकली से कौन डरता है भाई, मैं छुपकली से कभी डरी ना जाऊँ। मैं रात को वैसे भी कॉकरोचेस को डरा रही थी आराम से।